ஓம்காரமெங்கும் ஜாயந்தி யோகின காமதம் ஓஷதம் செய்யும் காராய நமோ நம மங்கனம் பகவானையோ மகிழம் கௌதமோ மங்களம் குந்தாரி உஜேந்திரமோ சுமங்கலம் நமா சுமரிசாராய் சுவானுபூத்தியாசாஸ்தி சுவாய் பவாய சர்வாயுதாய very system is from Pratham Shadhyay. Yeah. Atadiyo Shishan. Vastu Sarva ke vichar vara Shadhvaad ko siddh karte hain. Shadhvaad ekli apeksha ye kratham. Atma ne nit kahe एकांत नित्य है ऐसा नहीं नित्य भी है ना नित्य भी है सात बार सात अपेक्षाएं वाद कथन वितरागमो महाराज आसो सात बार है आत्मा ने नित्य कहे प्रेमक समझी लेना उसमें अनित्य है नहीं यानी एकांत नहीं एकांत है यानी बात है भाई बदू करूं पर है तत्वों विचार ने तत्वों निर्णय करो ने बाकी सब किया बहुत धर्म ने नामे किया आचार्य बल धर्म ने नामे साधन होता है धर्म ने नामे कौन पहुंच महावर पारी बहुत किया पर अंतर तत्व क्या चीज है उसके समझने में दरकार किया ही नहीं ऐसे ऐसे जिंदगी चली जाती है यहाँ कहते हैं कि आचार देव वस्तु स्वरूप के विचार द्वारा साधवार अपनी साथी कथन करते हैं क्यों अभी तक आत्मा को ज्ञान कहने में आता है कहने में आया है कि आत्मा ज्ञान है पर एकांत ज्ञान है ऐसा नहीं उसमें आनंद में दूसरा भी है और ये नित्य भी है अनित्य भी है कोई कहे भाई आत्मा अनित्य हाँ हाँ ये राजकोट में चिल्ले तो मासा नवा माथा ये चर्चा चलती थी मैं एक बाबा अनुमति नवेदान थी કે આ નીચે આવી વાત જૈનમાં ક્યાં છે આવી જૈન લોકો તો ક્રિયા કરો આ કરો આ વળી નીચેની વાત કોણ કરે મેં સુનને જાઉં તો બાબા આવ્યા સુના સુનકર એક આ થયા મેં કે ભૈયા આત્મા નિત ભી હે ને અનિત ભી હે કેમ ભડક્યા હે આત્મા અનિત હે आत्मा अनित परिणाम में अनित है परिणाम पर्याय जो पर्याय क्षण क्षण प्रवृत्ति है उससे अनित है और कायम रहने वाली चीज अपेक्षा अनित है अनित विदांती था આત્માની વાત સાંભળતા કોઈ જૈનમાં આત્માની વાત કેવી એ તો ક્રિયા કરો પરિપણ કરો સમય કરો ભક્તિ કરો પૂજા કરો એમ જૈનમાં આવડે કોણ ભાઈને સુનને કહું જાઉં આયા સુને તો એમાં આ શબ્દ આયા નવાનું કી વાત હૈ નવાનું કી અર્ત્રી અર્ત્રી કીધું ભાઈ હું आत्मा जो है अंदर एक कायम पण रहने वाला है नित्य पण है और पर्याय अनित है क्या पड़ी है कोने ये यहाँ कहते हैं साधवान समस्त वस्तुओं के साधवान इतने
شاپ اپیکشائی کتن کرنے والی وانی نکلا ہے مانی کنجی آیا شاد راد اتنے شاد اپیکشائی کتن ہے کیا سماس وقتوں کے سرم کو صد کرنے والا ہے جتنی صدر ہے بھگوان سروگن تروگنات پرماتما یہ سروگن صدر دیکھا ہے تو سید رہ ارہم سروگن کا ایک اسکلی نرباد شاسن ہے ایسی بات سروگن شوائے کہیں ہے نہیں अपेक्षा एक तो रेम केम कहना कि आत्मा एक रूप है और दूसरे से क्या आत्मा अनेक रूप है वस्तु रूप है अनेक रूप है पर्याय की अनेक रूप है पर्याय ये अवस्था होती है भिन्न भिन्न अवस्था विचार होता है तो ये अपेक्षा अनेक है और वस्तु तरीके एक है एकांत एकज है और एकांत अनेकज है ये जन शासन नहीं हा 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 जैनी बात है भाई तत्व का निर्णय यदि पहले विकल्प से निर्णय करने का अवसर नहीं उसको संलग्न दर्शन होने का तो टाइम क्या है ये बिना जन्म मरण का अंत नहीं आता चार गति चौरासी अवतार ब्रह्मदत्त जीव चक्रवर्ती जेने घरे सखंड सन 9000 स्त्री सनवे करोड़ पाए दो अने जी हीरा ना के भाई पमंग हीरा ना पमंग में सूतेला एक एक हीरा करोड़ की किमत एवं हीरा पलंग पर सूते मरता कुरोमती सन्वे हजार स्त्री में एक स्त्री मुख्य ये स्त्री को एक हजार भी सेवा करते थे ऐसा नियम है चक्रवर्ती में तो ये स्त्री के ऊपर इतना प्रेम आप तो बहु किया था तो मरता है कुरुमती ऐसे बोले बरी ने हाथ में नरक दी अचारे नरक में है हाथ में अरे पहली नरक में सात नरक है तो पहली नरक में जगन्य मां जगन्य थोड़ा मां थोड़ी अवस्था 10,000 के है नरक पहली नरक में उत्कृष्ट अवस्था एक सागरूपम एक सागरूपम में 10 करोड़ पल्लुपम जाते हैं एक पल्लुपम में असंख्य में बाद में असंख्य बजर जाते हैं प्रभु 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 ये दुख ने याद करे एक बार नहीं पर अनंत बार અને જ્યાં સુધી મિથ્યા નહીં ટાળે એ સમ્યક દર્શન આત્મા પૂર્ણાનંદ કા નાથ નિત્ય ભી હૈ અને અનિત ભી હૈ ધ્રુવ ભી હૈ અને અધ્રુવ ભી હૈ એસા અનુભવ જબ તક નહીં કરેગા તબ તક થોડા સેના અવતાર મેં નરક અને ભૂત મેં જાને વાળા અરે અને એની એસી ચીજ વિનેશ્વર દેવ ની વાણી ત્રિલોકનાથ પરમાત્મા સિમંદર ભગવાન બિરાજે ઇસકી આ વાણી હૈ તુમ કુંદાચાર ચા ગયે થે નિગમ્બર સાધુ થે આઠ દિન રહે થે समोसण में 8 दिन सुना
और कितनी बार दूसरा खुद केवड़ी पास है मारिनी क्षेत्र में रही। ये क्या से आकर बनाया कि त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव ऐसा कहते हैं कि साधवाद मार्ग है, अपेक्षा से कथन है। कहीं कोई ठीक ने आत्मा को ये कहा हो तो ये की ना मान लेना, स्वरूप एक है पर गुण पर्याय अनेक है, एम आनंद गुण में अनंती पर्याय है। अरे कौन विचार करे दुनिया में ढोरनी जम जनना ढोरनी जम जीवे, अरे तत्व क्या चीज है आलो कैसे कि तत्व को नहीं समझे। ये पशु है देख आलो कैसे चौदह श्लोक आ गया, चौदह श्लोक आ पशु पशु का अर्थ पश्यति इति पशु बद्धति इति पशु, जे चार गति ना कारणों ने बंधन करे। एकांत आत्म तत्व को समझे अने अनेकांत द्रव्य ने पर्याय दो है, कोई समय पर आत्मा द्रव्य ना नहीं अने कोई पर समय आत्मा पर्याय ना नहीं, एम सौद्रव जो है ये छह द्रव्य में कोई समय कोई द्रव्य अपनी तिकाली ध्रुव बिना नहीं और अपनी वर्तमान अवस्था पर्याय बिना नहीं। कोने विचार किया कोने पड़ी पहले प्रभु कहा जा सकता है। ये कहते हैं साधवाद समस्त वस्तुओं के समस्त वस्तुओं सौद्रव भगवान ने कहा जाति संख्या अनंत आत्मा अनंत इसी अनंत गुणा परमाणु असंख्य कालाणु एक धर्मास्थी एक धर्म अधर्मास्थी एक आकाश ऐसा भगवान ने सदैव जोया है सब परमात्मा ये अनंत तीर्थंकर हुई जातीय छह संख्या अनंत जीव अनंत परमाणु अनंत करण कारण समय अनंत। आए कहते हैं समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला सिद्ध है ऐसा नक्की करने वाला अरहंत सर्वज्ञ अरिहंत परमेश्वर जो सर्वज्ञ भगवान विराजते हैं उसका एक एक ही अत्यधिक अनुशासन है, दूसरा धर्म कोई धर्म है नहीं। सर्वज्ञ दैन शासन सिवाय क्या ही कोई धर्म की है नहीं। एक सर्वज्ञ का एक अस्खलित बाधा न आवे निर्बाध ऐसा शासन है, ऐसी भगवान की शिक्षा मन है। कथा हम रहे तो राजे राजे थे जाए, एक राजा तो मुझे रानी हती रानी रिसानी राजा मनावाजो ये विवाद तुरंत हम रहे एक विराज भी कथा पाप कथा। हाँ भगवान आत्मा कौन है अंदर उसकी बात सामने सुनने में रस नहीं प्रेम नहीं। अरे मेरी बात करती है मैं कौन हूँ कहाँ हूँ कैसे हूँ, वो कहते हैं इस साधवान सब अनेकांतात्मक है। ये क्या क्या साधवान सब अनेकांतात्मक है, इसमें ये कई चीज है अनंत अनंत धर्म है गुण अनंत है पर्याय भी अनंत है कोई पर द्रव्य है अनंत, ये हरेक द्रव्य में अनंत गुण है और अनंत गुण में अनंती पर्याय अवस्था है यानी अनेक अंत क्या अनेक अंत एक धर्म अनेक
ધર્મ એટલે ધર્મ, ધર્મ એટલે ધારી રાખેલી ચીજ. ગુણ અને પર્યાય કાયમ રહેવાની શક્તિ પલટતી અવસ્થા, એ દરેક પદાર્થમાં આનંદ હે. સમજ ને આપે આનંદ, આમાં અનંત પરમાણુ હે. એક પરમાણુ મેં ભી અનંત ગુણ હૈ, ઓર અનંત ગુણ કી અનંત કી પર્યાય હૈ જગત. આનું જૈન શાસન, સ્વરૂપ એક શાસન હૈ. એ કહેતે હૈ સબ અનેકાંતાત્મા, અનેક અંત એટલે ધર્મ સ્વરૂપ, દરેક અને અનંત ધર્મ સ્વરૂપ હૈ. દરેક ચીજ નિત્ય અનિત્ય એક અનેક સત અસત એવા સૌ બોલેગા. દરેક અનેકાંતા ઇસ પ્રકાર ઉપદેશ કરતા હૈ. કોણ? સર્વજ્ઞતા શાસન, સર્વજ્ઞતા શાસન. કયોકે સમસ્ત વસ્તુ અનેકાંત સ્વભાવવાળી હૈ. હિન્દી તો હે, આવૃત્તિ ફેર છે, આવૃત્તિ બીજી છે. સમસ્ત વસ્તુ અનેકાંત સ્વભાવવાળી હૈ. સર્વસ્તુ અનેકાંત પ્રકાર સહનબાદ કહેતા હૈ તો સચ્ચા કલ્પના સે નહીં કહેતા. ભગવાન મીઠા જૈસે કિરણ જ્ઞાન મેં એસા કહેતે હૈ, પરંતુ જૈસા વસ્તુ કા અનેકાંત સ્વભાવ હૈ. અનેકાંત એટલે અનેક ધર્મ, અનેક ધર્મ એટલે અનેક સ્વભાવ. નૂન ને પર્યાય, દરેક વસ્તુ મેં અનંત ગુણ હૈ, દરેક વસ્તુ મેં એક સમય મેં અનંત પર્યાય હૈ. સમય એક સેકન્ડ નો અસંખ્ય ભાગ, એક સેકન્ડ એક કરોડ બોલીએ એમાં અસંખ્ય સમય જાય, એમાં એનો એક સમય. હા હા હા, કહેતે હૈ કે એક સમય મેં દરેક વસ્તુ મેં અનંત ગુણ હૈ, અનંત પર્યાય હૈ. દરેક વસ્તુ મેં ધ્રુવ પણ હૈ, પર્યાય પલટને વાળી અનેક 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 પણ હૈ, ધ્રુવ પણ હૈ. નિર્ણય કરને કે દરકાર ક્યા ક્યા નહીં. હે, અસત્ય નહીં કે પણ વૈસા વસ્તુ કા સ્વરૂપ અનેકાંત સ્વભાવ એસા કહેતા. આત્મા નામક વસ્તુ કો જ્ઞાન માત્ર સે ઉપદેશ કરને પર ભી અભી તક તો આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ, જ્ઞાન સ્વરૂપ, જ્ઞાન સ્વરૂપ. આત્મા સૈતન સ્વરૂપ એમ કહેતે આયે હે, પણ સાધવા કા સ્વરૂપ નહીં, ઉસકે અપેક્ષા કા કથન ગુરુ નહીં. જેની વાત બહુ, અભી તક આત્મા કો સારા સમય સાર મેં જ્ઞાન માત્ર આત્મા કો કહેતે આયે હે, તો જ્ઞાન માત્ર કહેને સે ભી સાધવાદ એટલે અપેક્ષા જે અનંત ધર્મ હૈ, ઉસમે અનંત ગુણ હૈ, અનંત પર્યાય હૈ, ઉસકા કૂપ નહીં, વિરુદ્ધ નહીં. આવો માર્ગ કરવાનું હોય તો પૂછવું પડે, કરે મારો અનંત આવતું કરે કે મરે. આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ કોઈ પણ અપના સિવાય પરકાર કરતા હોતા હૈ, કરે ચરમ સુ કરતા
جو جانے سو جان نہارا جانے سو کرتا نہیں ہوئی کرتا سو جانے نہیں کوئی نریک سمے میں آتما جان سرو اپنے سوائے پردرم کی کوئی پن دشا کو کرتے نہیں اور اپنے میں بھی راگ ہے آتا ہے اس کا بھی کرتا نہیں ایسا آتما سادھو کا نام ماتر کہنے سے نہیں سادھو کا کوپ نہیں کیوں کہ جان ماتر آتم وسطو کے سوجن میرے انیکان کو سو کے جان کہاں ملے پر آنند مور ہے اور دریک سمے میں دریک پدار کی آنندی پریا ہے سمجھ میں آتے ہیں بادشاہ تو سامی ہے وسطو تو بابو کلی کری نی آنند کال ہوا آنند 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 ابھی تو کہیں سادھارن پر ابجو پتی آنند ہوا پر دور دھانی مری نے مر کے لیے آتما وسطو کیا ہے اس کا نرنے کرنے کا سمے اور سمجھا ہی نہیں تو یہاں یہ کہتے ہیں آتما نامک وسطو کو جان ماتر سے اپدیش کرنے پر بھی اپیش کال یہ آنند گن ہے اس کا ضرور نہیں خوب نہیں خوب ہے نا خوب نہیں بھلے جان ماتر آتما کو کہا اس کو ضرور کیوں کہ جان ماتر آتما وسطو کے سوئم جیو انیک آتما کو سوروپ ہے جان کہتے ہیں انیک سوروپ وسطو یہ ہے آج جنی بات آتما جان سوروپ چیتن پربھو ایم کہتے ہیں یہ سوئم بھی انیک سوروپ ہے بھلے جان ماتر کہا وہ بھی اس میں انیک سوروپ ہے وہاں انیک آم کا ایسا سوروپ ہے کہ جو ست ہے وہی اتت ہے کیا کہتے ہیں جو وسو تت ہے اپنے سے تت ہے جان سے تت ہے ایک گنے سے اتت ہے کیا کیا ہے جان جی چیتن سوروپ جان سوروپ تت نام کی ہے અને જ્ઞાન ને જો આ જણાતે શરીર વાણી મન કર્મ કુટુંબ ઉસને તો અપત હૈ ઉસને યે હૈ નહીં અરે અનંત કાળ ભૈયા મેં એક હું મેરે સિવાય અનંત ચીજ અનેક હૈ અનેક મેં નહીં جو تپ ہے تی ہے وہی اتپ ہے آتما اپنے وسطو سے تپ ہے اور جنہیں شریر وانی من پیسوں لکشمی استری کٹمب پریوار مکان آدر اس کو سب سے آتما اتپ ہے بکریا بکری بہنی کٹم آبرو سب سے بھگوان اتت ہے آتما سوروپ تت ہے تے ہے یہ پر سوروپ اتت ہے یہ تت ہے وہ اتت ہے خلاصہ کرے گا وسطو ایک ہے وہی انیک ہے وسطو طریقے آتما ایک ہے چھتا اس میں گوں اور پریائے طریقہ انیک ہے وسط
वस्तु तरीके एक होने पर भी गुण पर्याय तरीके अनेक है, पर्याय तरीके भी कायम अनेक है। कोई समय में गुण में पर्याय अनेक बिना दर्द है ऐसा है नहीं। तो उसकी नजर पर ऊपर क्या करना है, अनेक पणुपन तेरे में है, एक पणुपन तेरे में है। वस्तु तरीके एक है और उसकी शक्ति यानी पर्याय तरीके अनेक है, और तरीके अनेक है ऐसा नहीं। अरे ये कहते एक है वही अनेक है, एक है वही अनेक है। भगवान आत्मा स्वरूप है, चैतन्य भिन्न शरीर से वाणी मन से राग्य से भिन्न है, एक रूप है, ये अनेक रूप है। अनेक रूप का अर्थ उसमें गुण शक्ति यानी पर्याय ये अनंत है, एक रूप है वो ही अनेक रूप है। बोटा नहीं पकड़ा ऐसे नहीं। अरे हा देह की भिन्न प्रभु एक है तो ये अनेक है, वस्तु तरीके एक है और उसकी शक्ति गुण ने पर्याय तरीके अनेक है, पर दृढ़ तरीके अनेक है ऐसा नहीं कि आत्मा एक है पर दृढ़ तरीके आत्मा अनेक है ऐसा नहीं। पंद्रह को तो आत्मा कभी छुआ ही नहीं। एक तत्व अपना वस्तु ज्ञान स्वरूपी अनंत गुण और उसकी अनंत की पर्याय दरेक समय में कोई समय में अनित नित नहीं नहीं है, एक अनेक नहीं है नहीं, दरेक समय एक पण है। वस्तु तरीके पर्याय गुण तरीका अनेक भी है, पर के अपेक्षा नहीं। समझ में आता है, अब माखन है भाई है, कभी दरकार किया नहीं। जो सत है वह असत है, है अपने से सत है पर से असत है। आत्मा अपने से है और शरीर वाणी से है नहीं, असत है। क्या हमने खबर पड़ी आज जिंदगी कड़ी न कितनी इंसान बल्द ने जैम पशु ने जैम जिंदगी का निकाल कहेगा पशु कहेगा, एकांत मानने वाला पशु है। वस्तु जो है अनेक गुण अनेक पर्याय है, वस्तु तरीके एक है गुण पर्याय तरीके अनेक है, ऐसे जो न माने पशु है। श्लोक आएगा, चौदह श्लोक आएगा, दरेक में श्लोक आएगा। दुनिया ने राजी रखना, सभा को राजी रखकर सभा एक सा करना, अनंत वार किया प्रभु, उसमें कुछ है नहीं। चीज एक है वही अनेक है, क्या किया वस्तु तरीके एक है और गुण में पर्याय तरीके अनेक है, कायम है। गुण में पर्याय तरीके अनेक कायम है और द्रव तरीके कायम है, ये है। सत है वह असत है,
میں سینس ہے یہ سخت اور پر سے نہیں یہ سخت. وہ پہلے آیا تھا نا سب بھائی سب وہ کیا جان میں گلی بے دینا جان سوروپ تت ہے گنے سوروپ اوسط ہے گنے سوروپ نیم دینا کہیں جان میں گلے نہیں ساتھ دینا سب ست میں یہاں سب ست میں سارا درم کھیتر کا ابھاؤ اپنا ایک لا جان نہیں چڑھتا ہے نہیں سب یا سب نہیں بولا کیا ہے دوسری بات ہے سب ست میں تو ایک جان سوروپی بھگوان آنند گنے ہے شریر وانی من استری کٹمب پریوار پہ سوارو یہ گنے روپ کبھی ہوتا نہیں گنے میں کبھی جاتا نہیں یہ جان روپ تت ہے وہ گنے سے اتت ہے جاننے لائق چیز سے اتت ہے یہ نہیں یہ جان میں گنے سمبندی میں تت اتت ست ہے وہ اصت ہے کیا اپنا درج فطر کا اٹھاؤ درج نام وستو فطر نام پردیش کال نام اوستھا اپنی اور بھاؤ نام گن شکتی یہ اپنا درج فطر کا اٹھاؤ سے ست ہے ست میں تو جنان دیا اتت میں گنے سب ہے گنے روپ تت نہیں جان سوروپ بھگوان گنے سوروپ نہیں اتنا دیا تھا یہاں اپنا درو کھیتر کا ہوگا اس میں در ایک چیز ہے در ایک چیز درو وستو ہے کھیتر اپنا ہے آتما سنکدیشی کھیتر درو وستو کال اپنی اوستھا بھاؤ کا گن یہ درو کھیتر کا بھاؤ سے سب ہے اور پر کا درو کھیتر کا بھاؤ سے اصت ہے. ارے نج گرمی بات ارے نا اتنی بات اس کا اتنی بات کبھی प्रेम से सुनी नहीं प्रेम से लिया नहीं वेद तरीके निकाला. हाँ 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 आत्मा सत है अपना द्रव्य नाम वस्तु क्षेत्र नाम प्रदेश काल नाम वर्तमान पर्याय भाव नाम पुष्ट मूल भाव मूल ध्यान रखो द्रव क्षेत्र का भाव से सत है और परद्रव क्षेत्र का भाव से असत है. आत्मा अपना द्रव क्षेत्र का भाव से सत है शरीर वाणी मन कर्म स्त्री कुटुंब परिवार सब चीज की अपेक्षा आत्मा असत है. केदी हम आचरण निर्कार करे ایک نہیں ست ہے وہ ست ہے ست ہے نہ ست ہے کیا جان میں گنی لینا جان سوروپ تتو ہے وہ سرو گنی سے تب نہیں اتنا یہ گن کی ساتھ کیا لینا یہاں درو کھیتر کا بات ہے پرنا درو کھیتر کا بات نہیں ہے. ارے رے گیتراج جین شاسن اسکلی سروگن کا آرمبھ کا ایک اسکلی نرباد شاسن یہ کبھی اس نے پریم سے سنا نہیں اور انتر میں سن کر روچی کیا نہیں. سب باہر کا سکھا دندا پانی ڈائری ٹھنکرا کٹمب میں مری گیو اپنا مرن کر دیا. میں جنان ہوں
मैं धर्म क्षेत्र का वास्ता मैं मेरे में हूं नहीं धर्म क्षेत्र का होता उसका जो है उससे मैं असत हूं उससे मैं हूं नहीं उससे वो है उससे मैं नहीं भाषा तो हदीस है प्रभु भाव तो गंभीर है प्रभु नाथ प्रणलोक नाथ श्रीमंदर स्वामी बिराजे थे समो शर्मा महावीर शर्मा अत्यारे बिराजे अत्या से आने वाली आवाणी है प्रभु बिराजे थे आम आम नजर करो महावीर क्षेत्र में सिमंदर प्रभु सिमंद ना मर्यादा ना धरना अंत केवल ज्ञान आदि मर्यादा सिमंदर भगवान सिमंद ना मर्यादा ना धरना अपनी गुण अनंत की शक्ति की मर्यादा के धरनारे भगवान विराजते हैं क्या क्या सब आया है ये भगवान कहते हैं कि सत है वो असत है अपने से है पर से नहीं शरीर से आत्मा नहीं कर्म से आत्मा नहीं राग से आत्मा नहीं उन दयाल का परिणाम से आत्मा नहीं अरे अरे बात सत असत है सत है वही असत है आप वितराग कहे एक है कि अपने से है वर की अपेक्षा नहीं है अपने से भी है पर से भी हो तो वो एक हो जाए अपने से भी आत्मा है शरीर ने कुटुंब ने भाई छोखा कुटुंब से भी आत्मा है तो सब एक हो जाए एक तो है नहीं जो नित है चले बोले तेर में मैं बोलो या सतत में एक निर्मे चार सत है सत्य द्रव क्षेत्र का अभाव आठ है आठ बोले द्रव क्षेत्र का अभाव से है अपने पर द्रव क्षेत्र का अभाव से नहीं आठ बोले आठ में चार बार हुआ बैरिया जो नित है वे अनित है चौदह बोल ये कोई वस्तु नित्य है ये कायम अनित है पर्याय से अनित है परिणमन बदलने से अनित है वस्तु स्वरूप ऐसी काली नित है चौदह बोल हुआ बराबर चौथ बोलनी व्याख्या चलेगा चौथ बोलना श्लोक चलेगा जो नित है भगवान त्रिकाली नित है वस्तु यही परमात्मा पूर्ति अनित भी है पर्याय तरीके कायम त्रिकाल अनित है ये नित है वही अनित है ध्रुव तरीके नित है प्रभु परमावादी सही रहे आत्मा नहीं बात मुख्य ये वस्तु आत्मा नित त्रिकाल है वही वर्तमान पर्याय अपेक्षा अनित भी है नित ने अनित होकर वस्तु है एक नित है एने मानने वाला वेदांत है मिथ्या दृष्टि ये अनित नहीं मानते
और बहुत मति अनित मानते परिणमन मानते दरित क्षण में ये नीत नहीं मानते ये भी मिथ्या दृष्टि है। जो नित है भगवान कायम रहने वाला है वही अनित नाम विचार बदलते हैं पर्याय से अनित है दृश्य नित है। इस प्रकार एक वस्तु में वस्तुत्व की उपजाने वाली एक वस्तु में वस्तुपणा नित्य ने अनित्य वस्तुपणा एक ने अनित वस्तु पड़ा सपने अनंत वर्गित वस्तु पड़ा सपने असत्य वस्तु पड़ा। अरे आंबी उन्होंने कोई दिए ने पास लागया अब मार वितराग नहीं वितराग में मार तो या दया पावे व्रत करवा भक्ति करी मंदिर करो पूजा करी बंद ये तो प्रभु सब होता है पर है राग इतनी धर्म नहीं। सदा धर्मी में अशुभ से बचने को शुभ आता है पर है बंध का कारण। अरे क्या था तो है इंद्र है सुधर्मा इंद्र है सुधर्मा देवलोक है वैमानिक पहले 32 भाग वैमान है एक एक वैमान में असंख्य देव है सारा वैमान का स्वामी अक्षतरेन्द्र वर्तमान में है इंद्र। सिद्धांत भगवान एम कहते हैं कि ये एकावतारी है क्या क्या से निकलकर मनुष्य होकर मोक्ष जाने वाला है। संयक दृष्टि है आत्मा का भान है उसकी करोड़ों अपेक्षाओं है हमें एक अपेक्षा ऐसी है कि उसकी सब कायम परमात्मा पास में जाते थे जन्म कल्याणी गर्भ कल्याणी दीक्षा कल्याणी केवल कल्याणी तो उसमें ये समझ पा गई रानी ये रानी एक अवतार है ये भी चाहती मनुष्य होकर एक भोग में मोक्ष जाने वाला है ये भी भगवान की वाणी सुनने में जाते हैं। जिसका निर्णय हो गया है सेठ दूसरी बात ये है कही थी भगवान ऋषभदेव परमात्मा अश्वापत पर्वत पर मोक्ष पधारे ऋषभदेव भगवान पहला तीर्थंकर तो उसका पुत्र भरत संकेती ज्ञानी धर्मात्मा अखंडो राज सनयाचार्य श्री भगवान का हम जहां देखा मोक्ष दे चुके रोवे मने ज्ञानी धर्मात्मा हाजी वितराग नहीं है राग है। इंद्र आया सकल इंद्र ये वक्त था इंद्र अचानक सकल इंद्र सुन ये इंद्र ये हो सकते हैं। इंद्र आया भगवान को वे दवा करने शरीर में मुख से गया अरे भला क्यों रोते हो प्रभु ने कहा नहीं तुम्हें खबर नहीं थे तुम्हारे तो आप देख चिल्ला दिए आप देख चिल्ले या ना देने मुक्त होती है तुम्हारे इंद्र कहते हैं इंद्र भरत को कहते हैं कि हे इंद्र भरत तेरे तो आप देख चिल्ला है
आखिरकार आया केवल ज्ञान के मुक्त होने का हमारे तो ये एक मनुष्य धारण करना है. क्यों रोते हैं हम इंद्र सुन राग है अजी विकराल हुआ नहीं. मैं जानता हूँ कारा पाप है पुण्य भरा है पर सुन धर्मी को पाप पाप को तो सौ कहे पर अनुभवी जन पापन को पाप कहे. राग है राजकीय विकराल नहीं था संकित था નિર્વાણ થઈ ગયા શરીર પડ્યું કેવળ મોક્ષ ચલે સંકેતી વિનાની એ જ હોય મોક્ષ જાના હે રાજ આયા તો ઇન્દ્ર કાટર ઇન્દ્ર ભી આયા ભગવાન કા બોલા મોક્ષ કરતા નહીં. इंद्र कहा अरे भरत क्यों रोते हो तुम या आप हमें मुख जाने वाला है ना समझ तुम्हारे तो चिल्ला भी है हमारे नियत भी धारण करना पड़ेगा मनुष्य बना क्या हम मुख जाएंगे. इंद्र सुन संभव ये सब तो भरे हम ही आप हमें मुख जाने वाला ही नहीं खबर है રાગ વિતરા આયા નહીં વિતરા દિશા હોય નહીં મેરી રાગ કામ કરતે હૈ મેં જાનતા હું કે રાગ બંધ કા કારણ હૈ મેરી કમજોરી સે આયા બિના રહેતે નહીં. યહાં કહેતે હૈ એક વસ્તુ મેં વસ્તુત્વ કી ઉપજાને વાલી क्या एक गरीब तत्व जो एक है उसमें वस्तुत्व पढ़ू उपजाने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है. अमृतचंद्र आचार्य मुनि महाराज स्वर्ग में गए एक अवतारी लगभग है एक भव्य मुख जाने वाला मुनिराज कहते हैं एक वस्तु में वस्तु के उपजाने परस्पर विरुद्ध हो सकती तो विरुद्ध हुआ नहीं सत है ये सत असत है अपने से है ये तत् पर से नहीं असत तत् है वही असत है एक है वस्तु तरीके ये गुण पर्याय तरीके अनेक है ऐसे परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित करना होना अनेकांत है. ये वितराग में मारे अनेकांत है अनेक अंत अनेक धर्म अनेक शक्ति अनेक गुण ने पर्याय द्रव्य अनेक गुण अनेक पर्याय अनेक और एक एक द्रव्य में एक द्रव्य गुण अनंत में पर्याय अनंत. क्या दरकार पड़ी હાજી નામા લખે તો ધ્યાન રાખીને લખે અમારી દુકાન મેં ક્યાં ને પાડે ગામમાં સાધુ આવે ને અમારા પિતાજી ઉમે અમારા જન્મ હુઆ હતા તો દુકાન ઉપર હમ તો સાધુ આવે તો દુકાન છોડી દી ભાગીદાર થાય કામ કરે હમ તો સાધુ અમારા ભાગીદાર દો દુકાન થઈ કુંવરીભાઈ થઈ તો બીજા આમું જોવે નહીં આપતો નહીં ગામમાં સાથે આમું જોવે નહીં હાર વરાવા તને આવે નહીં વરવા વરાવા હું જાઉં બધે આખો દે ધંધા 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 આઠ વાગે પછી સબ નામા મામા લખર જાય સાધુ કે ઘરે રાતડી આવ્યા અમે તો ઓળખા જ નથી કોને. એવી મમતા મમતા મેં તો કહી દીયા હતા 64 કી સાલ 64 18 વર્ષ કી ઉંમર થી દેહ કી
ज्ञान मात्रता होने पर भी
ترتت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 ت
एकत्व अनेकत्व वस्तुतः एक गुण पर्यासानी सत्व सत्व अपना द्रव क्षेत्र से सत्व पर द्रव क्षेत्र से असत्व नित्य कायम रहने से नित्य समय समय में पलटते रहने से अनित्यपना प्रकाश का ये है। तेरे आत्मा वस्तु करने दिया चौदह गुण प्रकाश से एम कहते हैं। कभी विचार नहीं किया है लेकिन चौदह गुण हमें कहा ये चौदह तेरे में है। इसने अपनी आत्मवस्तु को में भी अपना आत्मा के पर ज्ञान मात्रा होने पर भी मैंने ज्ञान कहा तत्व तत्व ये कनिक सत्व सत्व नित्य नित्य ये प्रकार से क्यों उससे ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के अंतरंग में तथा की प्रकार से ज्ञान स्वरूप से द्वारा तत्व है। भगवान आत्मा में ज्ञान कोने से एक है कायम जानने वाला जानने वाला जाने तत्व है। अंतरंग में चक सके प्रकाश से ज्ञान स्वरूप के द्वारा कल्पना है ज्ञान स्वरूप द्वारा तेरा तेरा पण है तेरा तेरा न है और बाहर प्रकट होते आनंद गिरी तेरे शिवाय राग दया दान शरीर वाणी कर्म पैसा लक्ष्मी बाईरी सुंदरा गुण हा 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 ये अनंत है अनंत ज्ञेयों को प्राप्त ये तो जानने लायक चीज है। पर स्वरूप से भिन्न तो अपना स्वरूप से ये जिन्हें भिन्न है अपना ज्ञान स्वरूप से राज शरीर स्त्री कुटुंब परिवार लक्ष्मी आबरू कीर्ति पैसा सब भिन्न है ये तो ज्ञेय है ज्ञान है नहीं ज्ञान है ये आत्मा है अने जी ज्ञेय जानने लायक ज्ञेय है ये वस्तु अभिन्न है ये वस्तु तेरे में है नहीं। वहा पैसा वाला कहवा लक्षपति ने क्रोड़पति ने धूड़पति क्या क्रोड़ ने लक्ष पैसा था ना धूड़ है धूड़ी धूल नो पति नरपति मनुष्य नो पति राजा धूले नती पतो कोई नहीं पति तेरी चीज में पर चीज का अतिकाल अभाव है तेरी चीज तेरे ज्ञान में है पहले ये ज्ञान देना है ये ज्ञान ज्ञान स्वरूप है और ही शिवाय बाहर प्रकट होते आनंद गिरी को प्राप्त इस स्वरूप से भिन्न ऐसे परूप से द्वारा ज्ञान स्वरूप से भिन्न ऐसे परद्रव्य के रूप द्वारा अतपना है। बस समय में आया ज्ञान स्वरूप जानने स्वरूप से तुम तत्ते है अने जानने लायक चीज से तुम ते नहीं स्त्री कुटुंब परिवार शरीर लक्ष्मी आलू कीर्ति राजनीति सब जाने लायेगी तुम नहीं ये तेरे में नहीं तू नहीं उसमें तू नहीं ऐसे आत्मा का ज्ञान में अनुभव करना ये धर्म है ये बिना धर्म है नहीं।